जब तक दूर होती है तो क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज की, कुछ भी जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो प्यारी क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल लंगड़, आप देख रहे हैं राउडी व्लॉग। यार दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, बाहर नहीं जाया जा रहा है। वैसे आज गले में थोड़ा पेन है कल से, क्या ये भी सिम्टम है यार, मुझे पता नहीं। मतलब वैसे फीवर वीवर तो नहीं है मेरे को, एक छोटी सी आंख में फुंसी है यहाँ पे और गले में दर्द है। वैसे तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सारी चीज, स्मेल भी मुझे आ रही है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं बहुत मोटिवेशन से भरी हुई इंस्टाग्राम पे भी लाइन डाली थी, और देखो आप क्या मेहनत करती है। ये जो रोटी देख रहे हो ना, ये हमारे गाँव में जैसे बनती है ना इतनी बड़ी, ये दूसरी है, आलू की सब्जी और चाय। और इन मैडम को फैट लॉस करना है, ये बोल रही कि मैं मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, अब तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आपने देखा होगा वीडियो में वर्कआउट भी करती है ना, और मेरे दूसरे वाले फिटनेस वाले चैनल पे भी ये वर्कआउट की वीडियो कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी तो होती है। आज मैंने बहुत टाइम के बाद हाफ रोटी खाई। हाफ खाई है, खा जा कसम। कसम नहीं खाती है। हाँ रोटी खाती है ना, कसम खाने की जगह ही नहीं बची पेट में। भाई साहब इतनी मोटी रोटी अगर दो खा लेना, नींद ना खत्म हो। इतनी बड़ी बड़ी तुम खा लोगे आटे की रोटी, तो तुम्हें काम करने में मन लगेगा। मॉर्निंग में एक रोटी सबसे बेस्ट होती है, एक रोटी सबसे अच्छी होती है। अच्छा यही बनेगी बॉडी, हम छोड़ देते बाकी चीजें, रोटी खाने शुरू कर देते हैं। एक तो खानी चाहिए ना मॉर्निंग में। आयो भैया जी, ये जीवन रक्षक जड़ी बूटी, इसको पी के शरीर की सारी अंगे काम करना शुरू कर देती हैं। शरीर के सारे अंग काम कर सारी अंगी इसको पीने के बाद। मतलब तुझे टी शर्ट दी थी पहनने के लिए, तो ये थोड़ी तू तीसरा दिन भी पहनने का इसको। रोज दुखद खबर सुनने को मिल रही है, हैं? हाँ मैंने भी कुछ छुपाया हुआ है आपसे, ऑडियंस से, लेकिन कभी मन करता है बता दूँ, आप भी फैमिली को भी मन करता है नहीं बताऊँ, तो देखते हैं। हाँ एक चीज़ और यार, ये कोरोना के चक्कर में ना, मतलब सांस भी आदमी ना पता नहीं है कितनी लेगा। मैं सोच रहा था, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, यार मेरा ना बड़ा मन है नई कार लेने का, वो थार रहा थोड़ी, मेरी भी ऐसी राउडी सी पर्सनैलिटी है ना, वैसे मैं बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ लेकिन थोड़ा सा लगता है ना गुस्सेल सा, तो वो यार गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक कलर की, मेरे दोस्त ने भी ले ली रेड कलर की, तो मैं सोच रहा था ले लूँ। ब्रेजा चलाते नहीं, दिखाऊंगा आपको बाहर खड़ी होकर। मेरे पास तीन कार है, तो तीन में से एक रिप्लेस करता हूँ। किया सेल्टोस तो नहीं बेचने वाला, बिकॉज उसमें बच्चे फैमिली के साथ फैमिली कार है, लेकिन ये ऑफ रोड कार है, तो उसको सोच रहा हूँ अभी बाहर जाकर दिखा। तो जैसा आपको पता है कि मेरे पास ये वाली कार है खुद की जो मैं चलाता हूँ, और ये मैंने वैसे पापा को गिफ्ट की थी, लेकिन पापा को इसमें मज़ा नहीं आया, बहुत तेज़ चलती है। तो ये अभी देखो कितनी गंदी हो रही है। और दूसरी दिखाता हूँ विवेक की, वॉश नहीं हुई है, पिछले 15 दिन से खड़ी है, और डस्ट हमारे यहाँ पे पेड़ है ना बहुत सारे, तो वो डलता रहता है। ये हमने 3-4 दिन पहले वॉश की थी। ये तो मेरा ये है कि पापा को बिना बताए इसको निकाल दूँ, सेल कर दूँ, क्या कहते हो आप, सही थार ले लूँ इसकी जगह पे। तो ये है, और ये चली भी ऐसी है 12-14 हज़ार किलोमीटर, इतनी ये चली है, इतनी ये चली है, और उतनी ही वो चली है। -41 डेज हो चुके हैं, 1586 किलोमीटर ऊपर चल चुकी है, सर्विस रिक्वायर्ड है। अगर यार टाइम ही नहीं लग पा रहा है सर्विस कराने के लिए। मेरा ना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप किसी चीज़ को नहीं देखते हो तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन जब वो आपके पास आ जाती है, वो लाइफ का उसूल है, जब तक दूर होती है तो क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ की, कुछ भी जो आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो प्यारी क्यों ना हो, आप उसके लिए दिन रात सोचते रहते हो यार मेरे पास हो मेरे पास हो, लेकिन जब हो जाती है ना तो उसकी कदर नहीं करते। हर चीज़ में ऐसे ही है, चाहे वो लाइफ का कोई भी चीज़ हो जो आप पाना चाहते हो, जब तक आप पा नहीं लेते हो तो उसकी एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो हो जाती है, जैसे मेरी ये कार, अभी मैं इसको कपड़ा भी नहीं मार पाता यार क्या करूँ, और मैंने इस पर सेरेमिक भी करवाई हुई, आपने वीडियो में देखी होगी, चमक जाती है फिर भी नहीं कर पाता हूँ। आपके हाथ भी होता है ऐसा, होता होगा, जरूर होता होगा, मैं कह सकता हूँ। जब मैंने बुलेट ली ना, तो बुलेट का हर टाइम मेरे को सपने आते हुए, हमारे पास पहले भी थी, हर टाइम मैं सोच रहा था यार बुलेट पे कैसा लगूंगा, बुलेट ये बुलेट वो बुलेट वो। अभी वो खड़ी है, देखिए खड़ी है, और पिछले शायद 20-25 दिन से स्टार्ट भी नहीं करी है मैंने। कमेंट करके बताना आपके साथ जरूर ऐसा होता होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वीडियो गेम हो, चाहे बैट हो, चाहे घर की कोई भी चीज़ हो, टीवी हो, शुरू शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होता है, जब हमारे पास 21 इंच का टीवी आया ना पागल हो गए देख के, क्योंकि पहले कभी था नहीं, या था तो 14 इंच का था, और जब 2002 में पहली बार 21 इंच का टीवी देखा तो क्या मज़ा आया, उसके बाद 32 इंच, अरे वाह, अब वो भी छोटा लगता है, अब 42 इंच, अब वो भी छोटा लगता है। अभी मैं अपने लिए मैच देखने के लिए 55 इंच सोच रहा है, लेकिन लॉकडाउन है, अब अगर उसे देखना शुरू करूंगा तो 2-4 दिन तो मजा आएगा, उसके बाद वो भी छोटा। एथलीट लोग है ना, सबसे कम ध्यान पता कौन से पार्ट पे देते हैं, मैं बताऊं, इस पे,
थोड़ा हेयर है, हेयर इसलिए नहीं काटते, गर्मी बहुत होती है यार। इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट आए थे कि सर आपके हेयर बहुत बड़े हुए ना, फोटो की लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है, इतने बड़े भी नहीं देखो बॉडी पे। हाँ लेकिन है, अनिल कपूर के जितने ही हैं, अब क्या करें भाई, हार्मोन इतने ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं। हाँ काफ का वर्कआउट था, थोड़ा हैमस्ट्रिंग का था, घर पे जाके लाइट वाइट लेंगे, बच्चों के साथ मस्ती वस्ती करेंगे, आप भी करते रहा करो। मैं भूल गया आपको, जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, उनको अगर कोई इंजरी होती है तो उनको रेस्ट से ठीक नहीं होती, उनको वर्कआउट करने से ही ठीक होती है। अभी मेरे गले में प्रॉब्लम थी तो एक बार लग रहा था कोरोना, लेकिन अभी मुझे फील सही हो रहा है और बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो गया, और लेग्स करने पे तो बुरा हाल हो ही जाता है, तो लेग्स कभी स्किप ना करें अगर आप वर्कआउट लवर है। और अभी की जो सिचुएशन चल रही है इसमें योगा जरूर करें, घर पे रह के करें, योगा जरूर करें। ये छोटा सा जिम मेरा है और कोई होता नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ, क्या करें, मेंटेन करनी है ना। वर्कआउट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, योगा करें, हेल्थी मील लें, हेल्थी खाए, हेल्थी लाइफस्टाइल, हेल्थी दिमाग, पॉजिटिव सोचते हैं घर। पता है दिल्ली में लॉकडाउन है और 10 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है, वैसे इसका पालन करना अलग बात, अब देखिए कितनी भीड़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ, बाइक पे चल रहे हैं लोग, फ्रूट खरीद रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए। साल के लॉकडाउन के मुकाबले इस साल भी इतना मतलब पालन नहीं करे भी क्या, पुलिस भी क्या ही कर सकती। आपने भीड़ देख लिया, भीड़ है, लोग मार्केट में निकल रहे, और ये दोपहर का टाइम है जब 1:30 बज रहा है, जब पूरी गर्मी है, सुबह और शाम तो बहुत भीड़ होती है। अब आपको मैं आज का लेसन बताता हूँ, वैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आपको सिखा सकूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जब भी इन्फ्लुएंसर है या हम बाहर निकलते हैं भीड़ दिखाते हैं, कभी सोचा है कि हम भी उसी भीड़ का हिस्सा है? इसका मतलब कि मैं बाहर आया हूँ तभी तो भीड़ बढ़ी है। तो सबसे पहला नियम, आपा साफ तो सब साफ, यानी कि अगर हम सही होंगे तभी बाकी सही होंगे, तो शुरुआत अपने से करनी है। मतलब मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ और तुम्हें वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखो बाहर भीड़ है, समझ गए ना, यही समझा रहा था। हाँ क्या हो गया इसको, क्या हो गया, ये क्या खा रहे हो आप, सैंडविच मेरा नहीं बनाया क्यों, मैं रोऊंगा आप, मैं यही खा लूं, ये किसका है, ये खा लूँ, आप नहीं खाओगे, फिर मैं कैसे खाऊं ऐसे। यस मेरी जान, थैंक यू, कल भी आनी खा गया था मेरे से रात को। चलो डैडी, मैं साथ आनी, कौन आ रहा कल, सच बता कौन आ रहा मैच में, फिर कौन हुआ लूजर, तो हम तो हराते हैं, आप बताओ ना कौन है लूजर, आयुषो तो नहीं है भैया, है लूजर बोल दे, लूजर 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 लूजर। देख आयशा मैंने मम्मा की किसी कर ली, दादी की नहीं करनी, लूजर 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 आनिक, लूजर आनिक, लूजर कर रहा बॉल, ये वाली कौन सी पढ़ाई होती है करके दिखाओ, देखो तो चाटे, अच्छा करके दिखाओ कौन सी पढ़ाई है, ये वाली पढ़ाई किस चीज ने की है, उल्टी बुक लेके बैठी है, अच्छा पता भी है उल्टी है, वेरी गुड। न्यू कार लेनी है, बाइक लेनी है, नहीं कार लेंगे, कार हाँ बोलो, थार लेंगे, थार 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 थार, कार कैसे चलाते इतनी पावर से, ऐसे बता दे उनको मेरे को पावर आ गई, बॉडी दिखा दे इनको, ये छोड़ ये, या गुस्से में, अरे मेरे को क्यों पंच मार दिए, आ आ बैक पोज। सो गाइस किसी ने अगर ली है या ट्राई की है और उसके बारे में नॉलेज है तो प्लीज वीडियो देख रहे तो शेयर करना, मुझे बताना, कमेंट करना, और क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा आपसे अच्छा कौन बता सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने परिवार को स्वस्थ रखे और देश अपने आप स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।